हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। बात करेंगे आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस एंड वियर्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉच जो होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द साइड ऑफ अ टैंक या वेसल सच दैट लिक्विड सर्फेस इन दिस टैंक बिलो इज़ द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। ये जनरली नॉच जो होता है वो आपका बना होता है मेटालिक प्लेट का, और इसका यूज़ करते हैं मेजरिंग करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल चैनल या टैंक में। नॉचेस यहाँ पे बेसिकली चार तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच और स्ट्रिप नॉच। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वियर्स की, वियर जैसे कि हम जानते हैं कि वियर मे बी डिफाइंड एज एनी रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शन इन एन ओपन चैनल ओवर विच द फ्लो टेक प्लेस। इट इज़ मेड ऑफ मैसनरी या कंक्रीट। इसका यूज़ करते हैं मेजरिंग करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर या स्ट्रीम। वियर्स को अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू शेप, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर वियर होता है और सीपोलिटी वियर। नेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑर्डिनरी वियर और सबमर्ज वियर। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ वियर की बात करेंगे तो नैरो क्रिस्टेड वियर और ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। नेचर ऑफ क्रिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, शार्प क्रिस्टेड वियर और ओगी वियर। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वियर्स, यानी शेप के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर और सीपुलिटी, नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी और सबमर्ज, विड्थ के अकॉर्डिंग नैरो और ब्रॉड, और नेचर के अकॉर्डिंग शार्प एंड ओगी। क्लासिफिकेशन नॉच के अंदर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपोजाइडल और स्टेप नॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।